एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वह बहुत ही मूर्ख था। सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। कालू कौवे की एक बहन भी थी। वह बहन उसकी दूसरे जंगल में रहती थी। एक दिन कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा होता है। वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। कौवा, कालू भैया उठो उठो, क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हो? फिर कालू कौवा, कालू की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। फिर कबूतर कहता है कि कालू भैया, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है तो तुम्हें यह चिट्ठी दी है। कालू कौवा कहता है कि अच्छा, पूरी चिट्ठी पढ़कर सुना। वह कबूतर पूरी चिट्ठी पढ़कर सुना देता है और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब कालू कौवा भी अपनी बहन के लिए एक चिट्ठी लिख देता है और वह चिट्ठी पहुंचाने के लिए आदमी ढूंढता है। कालू कौवा अपनी चिट्ठी लेकर एक बाज के घर जाता है और बाज के घर बाज नहीं मिलता है, बाज की पत्नी मिलती है। तो वो कालू कौवा कहता है कि बाज भैया कहाँ गए? तो वह बाज की पत्नी कहती है कि वह तो शहर गए हैं। कालू कौवा कहता है कि मुझे चिट्ठी पहुंचाना थी, अब मैं चिट्ठी किसके जरिए पहुंचाऊंगा? चलो मैं गांव में जाकर देखता हूं, कोई शहर में जाने वाला होगा, उसके हाथ चिट्ठी पहुंचा दूंगा। अब कालू कौवा जंगल में जाता है और कुछ पक्षियों से बात करता है कि कोई शहर जाने वाला है, लेकिन उस समय कोई भी फालतू नहीं रहता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कौवा बड़ा ही अफसोस में पड़ जाता है कि अब मैं चिट्ठी कैसे पहुँचाऊँ अपनी बहन के यहाँ। फिर वह खुद ही अपने मन में सोच लेता है कि अब चिट्ठी मैं ही जाकर पहुँचाऊँगा। अब कालू कौवा खुद ही चल देता है चिट्ठी लेकर, अपनी बहन के घर की तरफ चल देता है। और फिर वह दिन भर चलने के बाद वह अपनी घर बहन के घर पहुँच जाता है। कालू कौवा अपनी बहन गोरी को चिट्ठी देकर फिर वापस मुड़ने लगता है। कालू कौवा जाने लगता है। फिर उसकी बहन गोरी कौवी कहती है कि कालू भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो कालू कौवा कहता है कि मैंने चिट्ठी तुम्हें दे दी है, अब मैं जा रहा हूँ। तो उसकी बहन कहती है कि कालू भैया तुम किस काम से आए थे? तो कालू कहता है कि मैंने चिट्ठी में सब लिख दिया है। तो उसकी बहन कहती है कि भैया अब आ ही गए हो तो दो चार दिन रुककर चले जाना। तो कालू कौवा कहता है कि बहन मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं चिट्ठी लेकर यहाँ क्यों आता? तो उसकी बहन कहती है कि कालू तू वाकई में मूर्ख है, इसीलिए लोग तुम्हें मूर्ख ही कहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि इस दुनिया के अंदर कालू कौवे जैसे मूर्ख लोग बहुत है, तो ऐसे मूर्ख लोगों का हमें साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।